विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज समापन भा। उस समापन के साथ साथ अपना पंचक बताए दी कि 75 दिवसीय जो है नाट्य कार्यशाला के आयोजन किया रहा, यह उत्सव रहा और यह रंग उत्सव में 3 नाटक के मंचन भा। हालांकि आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, इंद्रवती नाट्य समिति के संरक्षक हैं। और सबसे बड़ा योगदान यदि माना जाए, कला तो सबके पास होती किंतु कला का सपोर्ट और समर्थन जो मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा कर रहे थे वह अद्वितीय है। चेहरा माँ अपना उदासी देखत हो, यह उदासी वह चीज़ की है जब बिटिया का विदा कह दे थे बाप, और फिर ओके बाद जब टेंट पंडाल निकले लगा थे तो बाप के चेहरा माँ वह एक कहा थे मायूसी होती। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल माँ हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। भैया बारात विदा हो गए, बिटिया विदा हो गए, का कहा कितना जुड़ाव रहा यह विंध्य, यह तीसर पड़ाव जो यह फिल्म फेस्टिवल के रहा, रंग उत्सव के रहा, का कहा? सबसे पहले तो ये जो मड़ई के बिहान अपना बताई ला है, मड़ई के जे मड़ई का बनावे माँ जे रहें एक एक पत्ता डोरी में लगावे माँ, है ना, एक एक दीवालन का कलर से रंगे माँ जे एक भागीदार रहें, तो सबको हम बहुत सहृदय धन्यवाद दे थे। कहे कि यह अकेले बस की चीज़ ना होए, और फिर होत का है कि जब कोनो चीज़ के मन में विचार आवत है, पहले बीज मनई बीज बोवत है विचार के, तब फिर वो पौधा बड़ा होता है। तो पौधों पे कई सारी पेड़ पौधे कई एक जड़ होती हैं, तो अच्छी चीज़ यही कि हम पंचायत जड़ के शाखा हैं, चाहे हम हैं चाहे अपना अपना मतलब मीडिया परिवार हो गए, हमारे सीधी के जितने जने हम जे थोड़ो कला प्रेमी हैं, तो उन सब के प्रेम और विश्वास के कारण ये सब हो पावा। और निश्चित यह तीसरा वर्ष बहुत आज अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ का रही कि आज के समापन दिवस में मनई के अलावा प्रकृति साथ में रही, प्रकृति साथ में रही, पूर्व समय पानी बरसत रहा और शायद एक कोट कुर्सी खाली नहीं रही। तो यह बहुत बहुत दर्शकन का और यहाँ के कला प्रेमी लोगों का धन्यवाद साधुवाद सगली था कि यह देख के उतर जाती। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि विदाई के वह दौर में बाप हिसाब यह चीज़ के नहीं करता है कि का लग गया, कहे कि अनूप भैया सर्वस्व समर्पण तन मन धन सब ले जा, मगर एक बेहतरीन आयोजन जो उन्हें कहा हम पचे टीवी में देखी थे, बड़े बड़े शहरन में देखी थे, अनूप भैया के बदौलत जो है या सीधी में सफल भा। हालांकि नीरज जी, प्रवीण जी, रोशनी जी, पूरी टीम उनकर जो है जबरदस्त मेहनत करी, अनूप भैया के सर में हाथ रहा और पूरी जहाँ कहाँ दिक्कत हो अनूप भैया बिल्कुल हनुमान जी स्टार्ट हो जा रहे और जोने के बदौलत दिया। अनूप भैया अब जैसा कि अपना कहबे बहन कि कहो न कहो यह सब माहौल दिखेन, वो आज के जो में प्रकृति अपना के साथ दी है, कहो न कहो प्रकृति आज यह कही इसकी वास्तव में सीधी अद्वितीय है और यहाँ के कलाकारन का खुद वो पानी बरसाए के सम्मान दिहिस, संरक्षकन का सम्मान दिहिस, हुआ सिस्टम हुआ कहा जाए सहयोगिन का आयोजकन का सबका सम्मान। अब चौथा कितना बड़ा आगाज हुई और यह लॉकडाउन जो रहा यह दौर में फिर से एक बार नया लॉकडाउन आ रहा है, कला और कलाकार कहो न कहो जो मनोरंजन के साथ साथ बेहद बड़ा संदेश देते हैं, लोगों का ये लगा था कि सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है जबकि संदेश के बात को नहीं करे, तो ये मैं अपना का कहब कि जो में लोगन का आवे चाहिए सीधी में बहुत बड़ी संख्या है जे कला मनोरंजन की रीवा तक पिक्चर देखे जाते कहे कि सीधी में कहीं टाकीज तक नहीं, किंतु जब बात कलाकार का वो कला का समर्थन दे के आबती तो शायद बहुत दूर खड़े होते नज़र नहीं पहुँच पा। का कहा? निश्चित है यह जितने कलाकारों के साथ हम पंचे रही थे, यह कोनो कलाकार का देखी अगर वह मुंबई में जाए कि सफल हो जाए, एक बड़ा एक्टर हो जाए, तो जब वो सीधी में आई तो ओख जिये ने दी है ओके दर्शन खेती रैसन भीड़ लगाए के सब निकली हैं, पर आज जो स्ट्रगल कर रहा है तो यह तो कालांतर से नियम चला वाला है कि जबकि वो चढ़े का प्रयास करत है तो नीचे ओकर गोड़ खींचा जाता है और चढ़ी हुए पावत है जो खींचे वाले के परवाह नहीं करे। तो निश्चित है जब हम पंचे पहल शुरू करे रहें तो हंसी के पात्र बहन के यार इंटरनेशनल वो फिल्म फेस्टिवल तो हम पंचे कह नहीं करे है, हम तो नहीं बेसिकली प्रवीण और नीरज के जो हुआ रहा हमारे पास आए, विवेक जैसा कहीं के विवेक हवा अरवी दादा हाँ सबको जब हमारे बात बैठ के बात हुआ तो हम कहें ठीक है अगर तू पंचे कह सकते हैं तो बाहर से हम कब चंका तो कब चंका थोड़ा पौधी पहिया दे में कोनो दिक्कत ना हुई और ओखर आगाज देखी
और निश्चित चौथा जौन है वैसे कहते आज तो बरसात के कारण हाल में नहीं बाहर करवा करी थे तो हमारी यह वैष्णवी गार्डन के प्रांगण छोट पर जी कहों बड़े जगह में कहों करे परी हमका तो यह लागत है आई है लोग बाग शुरू में लोगन का लागत है कि कुछ न कह पाई पर जब जाना था कि करे लाग है तो ओखा अच्छा या बुरा ओखे बारे में कहे या सुने मिले लागत है तो निश्चित चौथा जौन हुई तो अपनों गवाह रहा और बाकी जे सुनल ना अपना के चैनल के माध्यम से वो तो गवाह रहवे करी है तानू भैया जैसा कि अब चली चला के बेला शायद हम बहुत याद करब यह आयोजन का घर से खूब छुट्टी पावर रहन और खूब फिल्म देख रहन खूब इंजॉय कर रहन और समझे के प्रयास कर रहन कि आखिर ये पूरी टीम करत का है अपना समझ चुके हैं तबे लगातार साथ में हैं और भैया लोगन से का कहे चाहब या फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के बारे में और जे लोग साथी रहें उनका का कहे चाहब हम सब जनिन के जे 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 एक अंशों भर मानसिक रूप से जितने जन सपोर्ट करें यार हम फिल्म फेस्टिवल के मानसिक आर्थिक शारीरिक हर तरह से जितने जन जे 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 हम कब चंग सपोर्ट करें ये फिल्म फेस्टिवल में उन सब के सामने तो हम बिल्कुल दंडवत नतमस्तक हैं और जे सपोर्ट नहीं करें या फिर जे बाद में जानें जे नतमस्तक और जे ये सोचें के हम करी तो अगले बेर उनका निश्चित है कि मौका मिली कहे कि अगला जब फिल्म फेस्टिवल हुई और सबसे ज़्यादा तो हम उनका ज्ञापन धन्यवाद ज्ञापन दे चाहे थे आभार व्यक्त करे चाहे थे कि जे अक्सर ये कहते रहे कि ई पंचे कुछ न कह पाई हैं तो शायद उन्हीं के चढ़ाए चढ़ाए आज हम पंची या स्टेज में हैं तो बहुत बहुत आभार सबका जे आए और जे ऑनलाइन दिखें जे कौन हर तरह से मदद करे के तैयार रहें मीडिया जगत है क्या कि हम देख रहे हैं जो उन पेपर आवत घर में हम देखी तो निश्चित हमारे एक रंगमंच के बारे में और फिल्म फेस्टिवल के बारे में पर डे हर पेपर वाले निकाल रहे हैं और पहले के पीछे जनतन के प्यार बहुत मिले लाग है और आभारण के कमी तो अब ऐसा कि हम ये चाहें कि यह फिल्म फेस्टिवल इतना बड़ा हो कि हमारे सीधी जब बाहर से आवा उनका हमारे सीधी के लोग आभार करा और सीधी एक जब कबो यह स्थिति आवे कि पूरी सीधी फिल्म फेस्टिवल में जगमग होए यह दिन के सपना है तब ये छोट घरौंदा बनाए कि मैंने चली ला है निश्चित अगर सबके प्रेम रही तो यह घरौंदा का महल बन जी ये कहानी जा सके निश्चित तौर पर आशा और विश्वास में दुनिया टिकी है और वह आशा और विश्वास के साथ कहन कहन डॉक्टर अनूप मिश्रा के एक बेहतरीन साथ जब मिलत है तो यह में एक अलग से जो है इतिहास लिखा जाता है इतिहास भुलावे के प्रयास करी तब डॉक्टर अनूप मिश्रा और उनकर यह पूरा इंतजाम या इंद्रवती नाट्य समिति नीरज कुंदेर रोशनी मिश्रा प्रवीण सिंह पूरी टीम उनकर नहीं भुलाई जाए इसके कहे कि यह ऐतिहासिक है जब शुरुआत होती तो थोक समस्या जरूर होती किंतु जब अंत बेहतरीन होता है तो हर आयोजक के चेहरा पर अपना का मुस्कानों दिखाई और थोक यह सब जब आयोजन की या चमक धमक खत्म होती तो आदमी का दुखों होता है और वह दुख हम झेल रहे हैं हम अनुपो भैया झेली ही और वह सब वह हर शख्स जो जुड़ा रहा यह पूरे छः दिन लगातार अनवरत जो है अपन समय दिन हम अपना के चैनल के माध्यम से चीज़ यू कहे चाहब कि देखिए नो कि पिछले या तीन साल छोड़ दी कोरोना और एक साल चुनाव के कारण तीन साल नहीं आठ साल तक लगातार इट सीधी चैलेंज कप टूर्नामेंट होत रहा जो ने माँ कब फाइनल के दिनन में हो रहा कि स्टेडियम में गोड़ रखे के जगह नहीं हो रही पुलिस का लागक पड़ रहा है इतनी भीड़ हो रही तो जब कबो यह मौसम और यह जो प्राकृतिक आपदा चल रहा है जहाँ समरी तो फिल्म फेस्टिवल तो ये है साथ में सीधी चैलेंज कप पुन के आपन व रूप में रैंक दौड़प शुरू करी कहे के अधिकतर हमसे लोग बाग यह पूछा था अब कहीं है कि फिल्म फेस्टिवल अपने बहुत निकाह रहा क्रिकेट कब शुरू कराओ क्रिकेट कब शुरू कराओ तो अपना के चैनल के माध्यम से बतावे चाहे थे कि कुछ ऐसा दिक्कत नहीं रही पर एक साल चुनाव और दो साल कोरोना यह तीन साल बीत है तो आगे आवे वाले में सीधी में एक और बढ़िया ऐतिहासिक आयोजन देख के तैयार रही सबको निश्चित तौर पर ऐतिहासिक काम ऐतिहासिक आयोजन और ऐतिहासिक व्यवस्था जो सीधी जैसा जगह हम अपना सोचे में एक
मतलब थोक हिचकिचाए जाब, किंतु हमरे बगल में शख्स बैठे शख्स डॉक्टर अनूप मिश्रा, सिर्फ और सिर्फ ये बात उनकर नाम जुड़े से आयोजन के एक ऐसा व्यवस्था बन जाती जौने का मतलब लोग सोचे नहीं, वह अपना उकेर के रख रहे थे। तो सभी जने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपन अपने परिवार के ख्याल रखी। वक्त थोक नाजुक है, किंतु हर लड़ाई के जैसा यह लड़ाई जीती जाई और बेहतरीन तरीके से जीती जाई। डॉक्टर अनूप मिश्रा भैया का कहब, यह वक्त जो फिर से वह बुरा दौर आ रहा है, का अपील करब लोगन से? यह जो बीमारी ही तो सरकार के ऊपर आश्रित ना हो, कि हम सबसे सिंपल एक छोट का संदेश दे चाहब कि सब के अपने शरीर के सैनिक खुद बना, और सिर्फ हथियार दुइंठे आए, हथियार सिर्फ दुई आए, एक थे अपना किया मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसर चूंकि हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सोशल डिस्टेंसिंग कह पाऊ कहाँ कहाँ आदमी उमा फंसिन जात है। तो तीसर कहे कि कबो ऐसा कोनो लक्षण थोड़ा आमा तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करा, कहे कि अब ये बतावे की जरूरत नहीं है कि बीमारी के लक्षण कहाँ हैं। तब ऐसे सबको हर एक आदमी अपन पर्सनल दुश्मन मान के अगर तैयार हो जाए कि हमको ऐसे हमका निपट लेख है, तो नियम सब जाना था कैसे कैसन निपटे है। बस इतने कहा कि जी है तो जहान है, और हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। हर कोई आदमी ये सोच ले कि सिर्फ मैं स्वस्थ रहूँगा तो फिर ये बीमारी का कोई रोल नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे डॉक्टर अनूप मिश्रा, जिनके द्वारा लगातार चाहे कला हो, चाहे क्रिकेट जगत हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खूब ऊर्जावान तरीके से यह में सबके मदद सबके साथ देते रहें, और ऐसे सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे वचन के ऊपर कि जो उन्हें यह में अनवरत रूप से हम पचे समाज के सेवा कर पाई, समाज के व व्यक्ति के आवाज़ उठाए पाई, जो वास्तव में कहो न कहो यह शोर माँ दबी जाती। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।